Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to sharing with you all my Eid makeup look. So let's get started. मैंने यहाँ पे purple का 24 karat gold primer use किया है. All over my face and focusing on my T-zone area. Now next product I'll be using is Swiss Beauty की eyebrow pencil, जो कि in the shade है brown. एंड अच्छे से ग्रूम भी कर लूँगी मैं विद द हेल्प ऑफ जो उसके पीछे ने स्पूली काइंड ऑफ दे रखा है. नाउ नेक्स्ट आई एम यूजिंग शुगर का एस ऑफ फेस फाउंडेशन स्ट्रिप. मैं इसे एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई करूँगी, एक स्मॉलर ब्रश की हेल्प से अपनी आईलिड्स पे, सो दैट आईलिड्स पे अच्छा सा एक बेस आ जाए एंड आई शेडो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग होए. एंड आईब्रो को भी मैं अच्छे से कर लूँगी, सो डैट जो भी अगर कुछ इधर उधर हुआ हो तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए. नाउ अगेन मैंने फिर से लिया थोड़ा सा अमाउंट एंड सेकंड वाले आईलिड पे अप्लाई किया. नाउ गाइस आई एम यूजिंग शुगर का कॉम्पैक्ट एंड अच्छे से मैं इसे सेट कर लूँगी सो डैट क्रीज ना होए. फाउंडेशन जो मैंने लगाया, वैसे शुगर फाउंडेशन बहुत ही अच्छा है, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. एंड नाउ मैं शुगर का ये वाला आई शेडो यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 02 एंड फिर से ये मैं फर्स्ट शेड लेके अपनी क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से एंड अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. अच्छे से टाइम देना है ब्लेंडिंग को सो डैट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे एंड फ्लॉलेस लुक लगे. नाउ गाइस मैं ये ब्राउन काइंड ऑफ शेड लेकर अगेन मैं अपनी क्रीज पे लगा रही हूँ जस्ट टू आवर्स से डिफाइन करने के लिए. एंड इसमें भी आपको लाइक क्रीज में एंड इन सब चीज़ों में टाइम देना है ब्लेंडिंग में. ब्लेंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आई शेडो. नाउ मैंने यहाँ पे एक ब्लैक कलर लिया है सेम पैलेट में से एंड इसे हल्का हल्का मैं अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज ये एक स्मोकी लुक होने वाला है. जस्ट कि मैं एक ब्लैक बेस दे सकूँ इसलिए मैंने अप्लाई किया है, नहीं तो आई एम यूजिंग अनदर थिंग. आई मेकअप एंड मैं इसे अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से. नाउ फॉर द नेचुरल एंड अच्छा वाला लुक और ज़्यादा पाने के लिए मैंने यहाँ पे शुगर का ये वाला काजल यूज़ करा, जो कि नॉर्मल काजल नहीं है, इसमें शिमरी पार्टिकल्स भी हैं सो डैट ये लुक को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सके एंड और भी ज़्यादा ड्रामेटिक दिखा सके. एंड इसे मैं अच्छे से अपने आईलिड्स पे ही अप्लाई करूँगी, कुछ भी बाहर नहीं निकाल रही हूँ मैं कि विंग आउट करके मैंने निकाल दिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है. देख सकते हैं आप हल्का सा हार्श लग रहा है अभी, बट इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश. यू कैन सी अब मैं दूसरी आईज का ब्लेंड कर रही हूँ. अच्छे से ब्लेंड करना सो दैट बहुत ज़्यादा ये ना लगे और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे ही लगा लिया. अच्छे से ब्लेंड करना है एंड नाउ इट्स डन. एंड नेक्स्ट थिंग जो कि मैं अप्लाई कर रही हूँ वो है स्टे कोर्की का पेन आईलाइनर, जो कि बहुत ही अच्छा है. बहुत ही प्रिसाइजली आप इससे वर्क कर सकते हैं आईलाइनर लगाने के लिए एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा थिन लाइन ड्रॉ करूँगी एज यू कैन सी द डिफरेंस. एंड नाउ मैंने दूसरे आईज पे भी लगा लिया है एंड सेम काजल जो मैंने अपने आईलिड्स पे यूज़ करा है शिमरी वाला, वही मैं एज अ काजल की तरह भी यूज़ करूँगी. ना मैंने ये निविया का ये वाला लिप बाम यूज़ करा है, आई डोंट नो इफ इट इज़ अवेलेबल और नॉट बट यस. ना मैंने शुगर का कॉम्पैक्ट यूज़ करा है अपने फुल फेस पर बिकॉज समर्स, सो मैंने कोई भी ज़्यादा बेस यूज़ नहीं किया है एंड अच्छे से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है.
इनके सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगी, अगर आपको कोई प्रोडक्ट देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। नाउ मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ, जहाँ जहाँ कॉन्टोर करते हैं नेक फोरहेड नोज एंड जॉ लाइंस। एंड नाउ मैं इसे एक कॉन्टोर ब्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नाउ गाइस हो चुका है। नाउ मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का डैम ब्लश यूज़ करा है, क्योंकि मैंने हल्का सा अपने हैंड्स के पीछे डैप कर लिया सो डैट बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ना आ जाए। एंड इसे मैं एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। एंड मैं चिन एंड अपने नोज के आसपास भी थोड़ा सा मैं अप्लाई कर रही हूँ, एज यू कैन सी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे शुगर का हाइलाइटर यूज़ करा, जो कि बहुत ज़्यादा आपको नेचुरल ग्लो देता है। एंड दिस इज़ अ रियली रियली ब्यूटिफुल एंड अ गुड हाइलाइटर इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर, एंड अफोर्डेबल ऑल्सो, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट किया है एंड नोज़ को हाईलाइट किया है, नोज़ के ऊपर टॉप पे। एंड अगेन मैंने यहाँ पे मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करा है सो डैट अच्छे से सेट हो जाए। मैं इसे सब जगह अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, एज यू कैन सी। ना मैंने यहाँ पे मेबलिन का हैपर कल मस्कारा यूज़ किया है शेड ब्लैक, एंड अच्छे से मैं इसे ब्राउज पे भी थोड़ा सा कर लूँगी। ना मैंने यहाँ पे एक न्यूड काइंड ऑफ लिपस्टिक लगाई है, एंड इसके ऊपर मैंने ये लगाई है डार्लिंग इज़ाबेला की लिक्विड लिपस्टिक, जिसको मैं हल्का सा लेके अपने हैंड्स के पीछे लगाऊंगी एंड देन इसे हल्का 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 डैबिंग मोशन में इसे अप्लाई करूँगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था। एंड नाउ गाइस माय लुक इज़ डन, नाउ सेटिंग स्प्रे इज़ लेफ्ट, सो मैं सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लूँगी एंड इसे डैब डैब अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से करके कर लूँगी। एंड नाउ इट्स डन। सो गाइस ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।